गोविंद घाट स्थित अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़ा श्री हित रास मंडल पर चल रहे रसिक संत वैदभूषण माखन चोरदास महाराज के अष्ट दिवसीय जयंती महोत्सव के चौथे दिन मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज ने श्री मद भक्त माल की कथा का रसपान कराते हुए कहा कि श्री महंत माखन चोरदास महाराज के हृदय में संसार की किसी भी वस्तु के प्रति आशक्ति नहीं थी, वे केवल श्री जी के प्रति ही पूर्ण समर्पित थे। वह करुणा के सागर थे, उन्हें सुख दुख दोनों से ही निवृत्ति थी। उनके हृदय में ज्ञान शक्ति वैराग्य शक्ति प्रतिष्ठित थी। वह ब्रज रज रसिक थे, श्री धाम वृंदावन और श्री जी की सेवा में ही उनका अभिष्ट था। उन्होंने कहा कि श्री हित रास मंडल श्री धाम वृंदावन का दिव्यमान ललाट है। यह श्यामा श्याम की नृत्य विहार लीला स्थली है। इस स्थान से प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार समूचे विश्व में हो रहा है। मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज ने कहा कि श्री हित रास मंडल में स्थित बट वृक्ष में राधा वल्लभीय संत सेवक श्री महाराज सशरीर समाहित हो गए थे। आज भी भक्त श्रद्धालु इस बट वृक्ष के दर्शन करके अपने को धन्य महसूस करते हैं। साथ ही यह स्थान राधा वल्लभीय संत दुर्गदास महाराज की भी साधना स्थली है, जिन्होंने की विश्व प्रसिद्ध 42 लीला ग्रंथ की रचना की। वह भी यहाँ की स्थित तमाल लता में सशरीर विलीन हो गए। इस अवसर पर रासाचार्य स्वामी पंडित देवेंद्र वशिष्ठ की रासलीला मंडली के द्वारा श्री राधा वल्लभ संप्रदाचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु के जीवन चरित्र का अत्यंत नयनाभिराम व चिंतरस्कर मंचन किया गया। महामहोत्सव में श्री महंत लाडली शरण महाराज, महंत दंपति शरण महाराज, श्री हित अम्बरीशी जी, संत रसिक माधव दास, भगवताचार्य राम प्रकाश भारद्वाज मधुर, महोत्सव समन्वयक डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, संगताचार्य स्वामी विवेकानंद, संगीताचार्य स्वामी देवकी नंदन शर्मा, इंद्र शर्मा, युवा साहित्यकार डॉक्टर राधाकांत शर्मा, संत रसराज दास महाराज, संत गोपेश कृष्ण दास महाराज, आचार्य विष्णु मोहन नागार्ज और आचार्य विष्णु मोहन नागार्ज के आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम व्यक्ति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्री हितरास मंडल अत्यंत दिव्य रसमय स्थान है, जहां श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने रास क्रीड़ा को प्रकट किया। श्री हित दामोदर दासी महाराज ने सदेह जहाँ वटवृक्ष में प्रवेश किया एवं श्री हित ध्रुवदास जी ने तमाल वृक्ष में प्रवेश किया, ऐसे अत्यंत पुनीत रास मंडल स्थान श्री राधा वल्लभी निर्मोही अखाड़े का अंतर्गत स्थान है, जिसमें श्री वृंदावन की शोभा राधा वल्लभ संप्रदाय के श्रेष्ठ दिव्यतम महापुरुष अनंतश्री समलंकृत नित्य निकुंज निवासी श्री महंत श्री अनंतश्री संपन्न श्री माखन चोरदास जी महाराज का 131वां प्राकट्य महोत्सव, सब पूज्य महंत श्री लाडली शरण जी महाराज की पावन सन्निधि में, पूज्य श्री चतुर संप्रदाय के श्री महंत श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति में, पूज्य कुंज विहारी मंदिर के श्री महंत जी महाराज की पावन सन्निधि में एवं अखिल भारतीय अपने विरक्त चतुर संप्रदाय वैष्णव परिषद वृंदावन के वर्तमान अध्यक्ष श्री महंत श्री सच्चिदानंद दास जी महाराज की पावन उपस्थिति में एवं हमारे अतिशय प्रिय श्री रसिक माधव दास जी महाराज की उपस्थिति में, अनेक गण्यमान्य संतों की उपस्थिति में विविध समारोहों के साथ संपन्न हो रहा है। श्री भक्तमाल जी की कथा, नित्य प्रति संत सेवा, नित्य प्रति रास लीला, इस प्रकार से विविध आयोजनों के साथ ये दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। अभी दो दिन और मनाया जाए जी, 17 तारीख तक चलेगा, 17 तारीख तक ये उत्सव चलेगा।